देश के 508 रेलवे स्टेशन की बदलेगी तस्वीर। यूपी के 55, राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन होंगे वर्ल्ड क्लास। करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशनों का होगा कायाकल्प। इंडियन रेलवे अपने बदबूदार प्लेटफॉर्म, गंदे टॉयलेट, धक्का मुक्की की वजह से बदनाम रहा है, लेकिन पिछले 9 सालों में रेलवे की तस्वीर कैसे बदली, ये सबके सामने है। आज देश के कई शहरी रेलवे स्टेशनों में एसी वेटिंग रूम, लाउंज, एलईडी लाइट्स, बोर्ड, फ्री वाईफाई, सीसीटीवी की निगरानी, लिफ्ट, बुजुर्गों के लिए एस्केलेटर की सुविधा देखने को मिलती है। लेकिन अब बेहतर और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का अधिकार गांव और छोटे शहरों के रेलवे स्टेशन को भी मिलने जा रहा है। दरअसल सरकार करीब 25,000 करोड़ की लागत से 508 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप करने जा रही है। पीएम मोदी ने 6 अगस्त को एक साथ इन सभी रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी। ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए जाएंगे। मैप पर देखें तो आंध्र प्रदेश में 18 रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जाएगा, असम में 32 स्टेशन, बिहार के 49 रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ में 7, गुजरात के 21 रेलवे स्टेशन, हरियाणा में 15, हिमाचल में 1, झारखंड में 20, कर्नाटक में 13, केरल में 5, मध्य प्रदेश में 34 स्टेशन, महाराष्ट्र में 44, मेघालय में 1, नागालैंड में 1, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, राजस्थान में 55 रेलवे स्टेशन, तमिलनाडु में 18 रेलवे स्टेशन, तेलंगाना में 21, त्रिपुरा में 3, उत्तर प्रदेश में 55, उत्तराखंड में 3, पश्चिम बंगाल में 37 रेलवे स्टेशन, दिल्ली में 3, चंडीगढ़ में 1, जम्मू कश्मीर में 3, पुडुचेरी में 1 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किए जाने का टारगेट रखा गया है। ये सिर्फ वादा नहीं बल्कि हकीकत होगी, क्योंकि ऐसे ही कुछ स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। गुजरात का गांधी कैपिटल रेलवे स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन, जहां आज हर पैसेंजर को रेलवे स्टेशन पर ही एयरपोर्ट जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलती है। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हब होगा। यानी कि बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, ट्रांसपोर्ट के हर साधन एक छत के नीचे कनेक्ट होंगे। अमृत स्टेशन योजना के जरिए ये सभी सुविधाएं सिर्फ बड़े स्टेशनों की नहीं बल्कि छोटे शहरों के स्टेशनों का भी अधिकार होगा। यहाँ एयरपोर्ट की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, एंट्री एग्जिट के लिए अलग अलग गेट होंगे, वर्ल्ड क्लास पैसेंजर लाउंज, वेटिंग रूम, सीसीटीवी से निगरानी, फ्री वाईफाई, और सोचिए लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों और दिव्यांगों की यात्रा आसान हो जाएगी। पिछले 9 सालों में ट्रेन के सफर को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार ने रेलवे के बजट में इजाफा किया है। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ हुआ करता था, उसे बढ़ाकर 1,40,000 करोड़ कर दिया गया, जिसमें से 508 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए करीब 25,000 करोड़ दिए जा रहे हैं। आपकी यात्रा सुखमय हो, रेलवे स्टेशन का ये अनाउंसमेंट मात्र एक स्लैंग नहीं बल्कि सच्चाई होगी। रेलवे अपनी सुविधा बेहतर बनाने के लिए IRCTC, रेलवे मदद, रेलवे शिकायत, ट्रेन ट्रैकिंग जैसी सर्विस उपलब्ध करा ही रही थी, अब स्टेशनों को भी वर्ल्ड क्लास बनाने का बीड़ा उठाया है। यानी कि रेलवे की सीरत के साथ साथ इसकी सूरत भी बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।